बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शारदा चौहान। आप सभी को शारदा चौहान का प्यार भरा नमस्कार। तो अगेन अजियो हॉल लेके आई हूँ मैं। स्टे ट्यून विद शारदा चौहान का दो तीन दिन तक और मैं बैक टू बैक अजियो को हॉल लाने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून विद शारदा चौहान। तो शुरू करते हैं आज का हॉल। तो मैं पूरे 5 कुर्ता सेट लाई हूँ करके अजियो से। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। शो शुरू करते हैं आज का हॉल। तो पहला मैं सेट आपको दिखाने वाली हूँ, कुछ ब्लू कलर में है, कुछ इस तरह ब्लू कलर में है। ये आवासा का ब्रांड है, मेरा साइज इसमें यल है। लाइट ब्लू कलर है पूरा और इस पे व्हाइट कलर का पूरा प्रिंट है, व्हाइट प्रिंट दिया हुआ है। देखिए 3/4 स्लीव है, 3/4 स्लीव पे जिगजैग का पैटर्न दिया हुआ है और 3/4 स्लीव पे इस तरह गोल्डन डिटेल दिया हुआ है। ट्रेड का ट्रेड पे गोल्डन डिटेल है पूरा। हाँ ये यहाँ दिख रहा है, साइड कट है, साइड कट है। ये स्ट्रेट कुर्ती है, मटेरियल इसका कॉटन है। कॉटन मटेरियल है, बहुत अच्छा है ये। मैं इसको अराउंड 440 के रेंज में परचेस की थी मैंने 440 के रेंज में। अब इसका प्राइस आई थिंक कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अजियो का सेल चालू था तभी मैंने परचेस किया था सर। जब भी अजियो का सेल आएगा मैं आपको लिंक दूंगी कैसे परचेस करना है, कैसे लेने का है, तो आपको उसी रेंज में मिलेगा। ये इसका पैंट है, इसका पैंट देखिए कुछ बांधनी प्रिंट में है, हल्का हल्का डॉट दिख रहा है कि वो बांधनी प्रिंट में पैंट है। इसका बेज कलर में है, फुल इलास्टिक है, पीछे से पूरा इलास्टिक दिया हुआ है, आगे से बेल्ट टाइप में है, बेल्ट टाइप में है आगे से पूरा। थाई एरिया में कोई आपको परेशानी नहीं होगी, फुल है, आराम से उठ के बैठ सकते हो। इसका ब्रॉड इतना दिया हुआ है, प्लाजो टाइप में है ये, और ये शार्प प्लाजो है। इसका भी मटेरियल कॉटन है, प्योर कॉटन ही, कोई इशू नहीं आएगा कपड़े में। इसको वॉश की तो मैं आपको दिखा रही हूँ इसका रिव्यू। और चलते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ, जो है बांधनी में है, फैशोर ब्रांड से है, कुछ इस तरह है। आगे से आप देख रहे हैं जो सिल्वर कलर का डिटेल दिया हुआ है, सिल्वर ट्रेड है इसके अंदर, अपना सिल्वर का बांधनी का फॉइल वर्क किया हुआ है, गोटा पत्ती का बांधनी का है इसके अंदर पूरा। पैच पर है, आगे से 3 बटन मिलेगा, शो बटन है फैब्रिक का, इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। 3/4 स्लीव है, 3/4 स्लीव पे भी इस तरह गोल्डन ट्रेड अपना सिल्वर ट्रेड से वर्क किया हुआ है और मिडिल में गोटा पत्ती का वर्क है सिल्वर में। मटेरियल इसका कॉटन है, इसमें मैंने साइज डबल एक्सल परचेस किया था। पहले मैंने येल लिया था तो वो फिट नहीं हो रहा था तो मैंने इसको रिटर्न करवा दिया था, फिर से मैंने इसमें एक्सल मंगाया है। स्ट्रेट कुर्ती है, साइड कट है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, कॉटन में है, कोई इशू नहीं आएगा। इसका कलर भी नहीं गया, तो आप इसको, मैं इसका पैंट दिखाती हूँ फिर आगे आपको बताती हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था। इसमें प्रॉब्लम ये हुआ था, देखिए ये पैंट है ना, इलास्टिक पैंट है, आगे से आपको ड्रॉ स्ट्रिंग मिल रहा है एडजस्ट करने के लिए, और इसका फैब्रिक भी कॉटन ही है। इसमें कोई प्रिंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, प्रॉब्लम कोई नहीं था इस प्रिंट में। सिर्फ प्रॉब्लम क्या हुआ था इस मटेरियल में, इसका कलर दिख रहा है आपको हल्का हल्का, जहाँ व्हाइट कलर में वहाँ पे इसका पिंक निकल के व्हाइट पे आ गया है पूरा। ट्राउजर पैंट है, थाई एरिया में कोई इशू नहीं होगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दे दूंगी, अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस करना, नहीं तो फिर
आपके ऊपर है सब। तो नेक्स्ट चलते हैं, सेम मैंने लिया था, एक और कलर है जिसमें ग्रीन कलर मैंने परचेज किया था। आप देखिए इसका भी कलर, आपको दिख ही रहा होगा इसका कलर कितना निकला हुआ है, फ्लावर का ही कलर निकल के वाइट पे लगा है पूरा। और इसमें कोई परेशानी नहीं था, सिर्फ कलर निकला इसकी परेशानी है इसकी। इसमें बैक साइड पे देखिए कितना कलर निकला है इसका पूरा। इलास्टिक है पूरा, थाई एरिया में कोई इशू नहीं आएगा आपको। कॉटन मटेरियल है, मटेरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, सिर्फ कलर निकला था यही प्रॉब्लम था इसमें। तो इसका मैं कुर्ती दिखाती हूँ आपको, सेम है जो इस तरह कुर्ती है इसका, सेम कलर में 3/4 स्लीव सिल्वर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, सिल्वर फॉइल प्रिंट का एम्ब्रॉयडरी है इसमें, पूरा मोटा पत्ती का सिल्वर एम्ब्रॉयडरी है। स्ट्रेट कुर्ती है, कॉटन मटेरियल है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ कलर निकला इसका इशू था पैंट में। तो चलते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ जो है सकुरा ब्रांड से। आपको मैंने सकुरा ब्रांड से बहुत कुर्ती दिखाया है अपना, बहुत मैंने परचेस किया लो अपना शॉर्ट कुर्ती, और जो मैंने वेयर किया है वो भी सकुरा ही ब्रांड से है। ये कुछ इस तरह है, ये अपना सिल्क फैब्रिक है, सिल्क फैब्रिक है। आगे से आपको ऐसा एम्ब्रॉयडरी मिल रहा है पूरा, ट्रेड हुआ ट्रेड का एम्ब्रॉयडरी है गोल्डन में पूरा। आगे से कट इतना है, 3/4 स्लीव है, 3/4 स्लीव पे एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है। इसका मटेरियल देखिए कितना शाइन कर रहा है। और ये अबाउट नी तक इसका कुर्ती है, लॉन्ग कुर्ती नहीं है, और इसमें पॉकेट भी आपको मिल रहा है। मटेरियल बहुत अच्छा है इसका, सिल्क मटेरियल है लेकिन बहुत अच्छा है। अराउंड 450 के रेंज में मैंने इसको परचेस किया था। तो इसका पैंट दिखाती हूँ जो गोल्डन कलर में दिए थे मुझे, कुछ इस तरह पैंट है इसका गोल्डन शेड में। ये गोल्डन शेड अपना गोल्डन अपना येल्लो भी दिख रहा है और रेड शेड भी दे रहा है। इसमें कुर्ती का कलर है मरून, वो शेड भी इसमें होता है, दिखता है। ये देखिए आगे से बेल्ट का इस तरह बेल्ट दिया हुआ है, और पीछे से इलास्टिक दिया हुआ है आपको, दो ये मिल रहा है एडजस्ट करने के लिए। कुछ पैंट ट्राउजर पैंट है इसका, कुछ सिगरेट हाँ सिगरेट पैंट है इसका, क्योंकि लेंथ आपको इतना मिल रहा है यहाँ पे है, और यहाँ पे कटआउट मिल रहा है। ये भी सेम फैब्रिक है, सिल्क में है, दो शेड दे रहा है, शाइन करता है दो शेड में। तो चलते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ जो मैंने लिया है, नेवी ब्लू कलर में है, इसका शॉर्ट ट्राउजर पैंट है कुछ इस तरह है। आगे से बेल्ट है, पीछे से इलास्टिक है, ये शॉर्ट प्लाजो है अपना, शॉर्ट सिगरेट पैंट है, ये देखिए शॉर्ट है इसका, लेंथ ही इतनी है शॉर्ट में इसका। ये फैब्रिक रेयॉन है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, फैब्रिक में कुछ कोई परेशानी नहीं होगी, थाई एरिया में कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से इसको पहन के उठ के बैठ सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कुर्ती, इसकी कुर्ती बहुत अच्छी है जो इस तरह है। अपना गोल्डन गोल्डन फॉइल है जो मैंने बहुत वेयर किया, अभी तक निकला नहीं है। 3/4 स्लीव है, आगे से बटन दिया है, फैब्रिक का बटन का डिटेल है, साइड कटआउट है स्ट्रेट कुर्ती में इसका। ये भी आवासा ब्रांड का है, मेरा साइज इसमें यल है, देखिए आवासा और यल साइज है। रेयॉन फैब्रिक है, बहुत अच्छा फैब्रिक है, आपको कोई इशू नहीं आएगा, फैब्रिक बहुत अच्छा है। मैक्सिमम मैंने 10-15 बार इसको वेयर किया है। यही था, अगर मैक्सिमम आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।